हाय एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। और आपकी वीडियो आ चुकी है था कि आप लोगों ने कहा था कि जैसे कि हमको एस पी 125 की रिव्यू चाहिए, तो मैंने आप लोगों के लिए एस पी 125 की रिव्यू लेकर आया हूँ। और ये काफ़ी मशक्क़त के बाद ये भी बाइक मिली है, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड का बाइक मांगा हूँ। अभी अभी जस्ट ही आया है और मैं यहाँ पे अभी तुरंत आया हूँ। मतलब कि मेरा घर यहाँ से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी मैं अपने फ्रेंड का बाइक और आप लोगों के लिए मैंने इतनी दूर से आया और इसकी बाइक का रिव्यू कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेरा ये न्यू चैनल है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को मैं इसका ये दिखाना चाहता हूँ। ये इसका सीट देख सकते हैं आप, इसको ओपन और क्लोज दोनों कर सकते हैं आप लोग। तो इसको देखिए ओपन कैसे किया जाता है। तो नीचे से आपको यहाँ पर से कीज लगाने का ऑप्शन दिया होता है, तो यहाँ पे देखिए इसका मैं कीज लगाता हूँ और इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखिए बाइक की जो सीट है ये ओपन हो चुकी है, तो इसको कुछ इस तरीके से निकाला जाता है। और इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें मिलती है आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो थोड़ा कैमरा पास लेकर आना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ टूल किट मिल सक आप लोगों को मिली हुई है, कि अगर आपकी बाइक में कुछ पिछले पहिए में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आप इससे कुछ टाइट और इसको लूज़ कर सकते हैं इससे, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को सेफ्टी के मामले में बताया जाए तो यहाँ पे देखिए होंडा वालों ने कुछ पट्टी और बैंडेज दे दी हुई है। तो आप लोग अगर एक्सीडेंट गए, अगर आप लोगों का हो सके कि अगर एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब कि हुए हो चाहे ना हो, लेकिन वैसे तो बाइक काफ़ी लोग जैसे कि स्पोर्टी बाइक है तो इसमें हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे सेफ्टी के मामले में दिया हुआ है कि आप लोग अपना बैंडेज लगा सकें, ठीक है। तो इसको पहले मैं क्लोज़ करके दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे इसको क्लोज़ किया जाता है। तो इसको क्लोज करने के लिए आपको थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा और ऐसे सीट, ये जैसे कि आप लोगों को इधर से ऐसे कर देना है और ये आप लोगों की सीट क्लोज़ हो जाएगी। और फिर इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इसका जो हेडलैम्प है, हेडलैम्प आप लोगों को फुल है इसका हेडलैम्प, पूरा पूरा का पूरा इसका एलईडी मिलता है आप लोगों को, ठीक है। इसका एलईडी हेडलैम्प है और हाइलोजन इसके इंडिकेटर्स हैं। और लेकिन यहाँ पे आप लोगों को इंडिकेटर्स इसके नॉन फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिलते हैं, यहाँ पे फ्लेक्सिबल सुपर फ्लेक्सिबल कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इधर भी आप देख सकते हैं, और इसके कुछ फीचर्स की बात की जाए यहाँ पर देख सकते हैं इसके हैंडल बार में, देखिए यहाँ पे इसका एक इंडिकेटर पास इंडिकेटर यहाँ पे स्विच मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे पासिंग स्विच भी यहाँ पे मिलती है आप लोगों को, यहाँ पे देखिए पासिंग स्विच। और यहाँ पे आप लोगों को पावर ऑन ऑफ बटन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से दिखाना चाहता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे देखिए पासिंग स्विच है और यहाँ पे इंडिकेटर के बटन हैं और यहाँ पे आप लोगों को हॉर्न के बटन दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा इंजन किल स्विच और यहाँ पे पावर ऑन ऑफ के बटन दिख रहे होंगे, मतलब कि ये काफ़ी साइलेंसी आवाज़ देती है। यहाँ पे आप लोगों को स्टार्ट करके सबसे पहले दिखाता हूँ, और उससे पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए इसका मीटर कंसोल कैसा है। तो इसका देख सकते हैं आपका फुल डिजिटल मीटर दिया हुआ है, यहाँ पर फुल डिजिटल मीटर है, इसमें कोई भी संदेह करने वाली बात नहीं है कि यहाँ पर आप लोगों को एनालॉग मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इसको, देखिए कि इस तरह से कुछ स्टार्ट होता है, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी वाली बात है कि इसमें आप लोग अपना इसमें आप लोगों का फ्यूल कितना है ये भी आप लोग इसमें आप लोगों को दिखा सकता है, और यहाँ पे टाइमिंग भी बता सकता है, और आप लोगों का ये गियर आप लोगों को बता सकता है कि ये गियर मतलब कि न्यूट्रल में है या आपका जितने भी गियर नंबर लगे होते हैं वो भी आप लोगों को इसमें शो करता है, और आपकी रियल माइलेज क्या देगी बाइक इसका भी ये इसमें सब कुछ शो करता है, ठीक है। और इसके बारे में आप लोग यहाँ पर देखिए आप लोगों को साइड स्टैंड का जो होता है वो भी नोटिफिकेशन देता रहता है कि आप लोगों का साइड स्टैंड लगा हुआ है कि नहीं, और इंजन किल स्विच दिया होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोगों ने साइड स्टैंड लगाया हुआ है तो ये बाइक आप लोग की स्टार्ट ही नहीं होगी, यहाँ पे आपको फंक्शन काफ़ी अच्छा मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में ये तो हो गई बातें, और इसका इंजन काउल की बात की जाए तो काफ़ी इसकी अच्छी इसमें ब्रांडिंग की हुई है और काफ़ी खूबसूरत देखने में लगता है, और इसका स्टिकर के साथ, और ये पूरा फुल लुक आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी दिख रही है बाइक, और मतलब कि स्पोर्टी बाइक है ना इसलिए काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब कि सुपर स्प्लेंडर से अगर आप लोग कंपैरिजन कराएंगे तो ये काफ़ी हल्की है, तो इस मामले में तो थोड़ी पीछे चल जाती है, लेकिन काफ़ी अच्छी बाइक है, माइलेज के मामले में बहुत अच्छी बाइक है ये, क्योंकि माइलेज इसका 65-60 ये निकल के आता है, इसका रिजल्ट देता है। कुछ काफ़ी लोगों ने तो बोला कि भाई 80 का देती है, लेकिन ये आप लोग इस पर विश्वास ना करिएगा कि 80 का देती है, ये आप लोग 80 की बाइक देगी नहीं, इकोनॉमी मोड पर चलाते हैं तो बहुत होगा, तो आप लोग को 65 की देगी, उससे अधिक नहीं देगी। तो इसके आप किसी के भरम में नहीं रहिएगा कि आप लोगों को 80 की माइलेज देगी बाइक, 80 की माइलेज देगी ही नहीं, क्योंकि अभी 100 CC के इंजन रहते हैं उसमें आप लोगों को 65 की दी जाती है, तो इसमें कोई बात नहीं है कि आप लोगों को 70 और 80 के देगी, ये ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पे आप लोगों को इसके व्हील के बारे में बताया जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसके टायर हैं 80x100 के टायर्स हैं, और
इसके देखिए यहाँ पे डिस्क ब्रेक दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा हुआ, इसमें ब्रेकिंग सिस्टम दी हुई है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ड्रम ब्रेक दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्क ब्रेक दिया हुआ है। और यहाँ पे रिफ्लेक्टर लाइट भी आप लोगों को मिलती है, और यहाँ पे एक लेग गार्ड मिलता है, और यहाँ पे इसका जो देख सकते हैं इसका मटगार्ड भी काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और उधर भी आप लोगों को एक ऐसा ही रिफ्लेक्टर लाइट देखने को मिल जाती है। और सबसे पहले मैं इंजन के बारे में बता सकता हूँ, देख से ये देखिए इसके इंजन के बारे में, और होंडा एसपी 125 के इंजन और ट्रांसमिशन की बात की जाए तो कंपनी ने इसे 123.94 सीसी इंजन सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है। यह इंजन 10.8 पीएस की पावर और 10.9 एनएम का टॉर्क पीक जनरेट करता है। इसमें 5 गियरबॉक्स के साथ आती है। और इसका भी जो टायर की बात इसके बारे में बता सकता हूँ, यहाँ पे देखिए 80x100 के इसमें भी टायर मिलते हैं, दोनों सेम ही हैं, कोई डिफरेंट आप लोगों को इसमें देखने को नहीं मिलता है। और पीछे की आप लोग टेन लाइट के बारे में भी देख सकते हैं, यहाँ देखिए टेन लाइट भी काफ़ी अच्छी दी हुई है और काफ़ी अच्छी लग रही है आप बाइक। और यहाँ पे साड़ी गार्ड भी देख सकते हैं आप लोग, साड़ी गार्ड भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाती है कंपनी। और यहाँ पे स्टिकर के साथ ये बाइक आती है, यहाँ पे देखिए एसपी 125 की बैजिंग जो दी हुई है, यहाँ पे भी स्टिकर की दी हुई है। और यहाँ पे जो होंडा की कंपनी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप इसकी बाइक 3D लोगो है। आप लोगों को कुछ पास दिखा सकता हूँ कि आप लोगों को यकीन हो सके। देखिए यहाँ पे कुछ मतलब कि 1 mm की है, तो 1 mm की जो ये 3D लोगो है, थोड़ा इसका लुक काफ़ी अच्छा निकल के आता है, तो काफ़ी अच्छी बातें हैं इसमें। और गियर जो है इसके एक गियर आगे के लगते हैं और 4 गियर पीछे के लगते हैं, ठीक है। 5 गियर बॉक्स के साथ ये बाइक आप लोगों को मिलती है, मतलब काफ़ी अच्छी बातें हैं इसमें। और काफ़ी मतलब इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स नहीं लग रहे हैं आप लोगों को, काफ़ी अच्छी बाइक दी जाती है। आप लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए सिर्फ आप लोगों के ऊपर है। और माइलेज में भी काफ़ी अच्छी इसमें बाइक दी हुई है, तो आप लोगों के ऊपर है। अगर आप लोगों को लेना हो तो ले लीजिएगा, और नहीं लेना हो तो आप लोगों के ऊपर है, लीजिएगा नहीं लीजिएगा कोई आप। बस मुझको जो इन्फॉर्मेशन देना था वो मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने तो फ्रेंड्स उम्मीद होगा कि आप लोगों ने मतलब कि मेरे वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी इसके बारे में डिटेल जान ली होंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग अगर एक लोग भी अगर मेरी वीडियो देखते हो तो आप लोग एक इंसान अगर मुझे सब्सक्राइब करता है तो मैं काफ़ी आगे बढ़ सकता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोग किस बाइक की रिव्यू चाहिए, तो मैं उस बाइक की लाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस बाइक की रिव्यू लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप लोगों को किस बाइक की रिव्यू चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही हर एक वीडियो के साथ मिलते रहेंगे, और तब तक के लिए जय हिंद, और मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में।